आज हम घर घर की कहानी खेल रहे हैं और ये लोग आपको ड्रामो में नजर आती होंगी घरेलू बातें करते हुए आज रियलिटी शो का सफाई। अच्छा अभी हम एक ये बात कह रहे थे कि किस में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप किचन बनाते हैं, तो मैं इनको सबको ये पट्टी पढ़ा रही थी कि पाकिस्तानी फ्रिज ले जो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हो, क्योंकि जब अगर आपके घर में हेल्पर्स हैं बहुत रफ यूज करते हैं, बहुत ज्यादा। मेरा जैसे फ्रीजर है उसके तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो जो ग्लास के उसके डब्बे प्लास्टिक ग्लास के वो माशाल्लाह कहीं से मुंह लटका हुआ है, कहीं से कुछ लटका हुआ। अरे भाई अल्लाह के वास्ते इतने महंगी चीजें यार कोई ध्यान नहीं दे। वो मैंने यही नोट किया है भाई, आपका क्या होता है अगर साल में भी पाकिस्तानी फ्रिज खराब हो रहा है तो वो 25-35-45 इस तरह के अंदर आता है। बिल्कुल आप बाहर का फ्रिज लेते हैं और आपकी जो घर की हेल्प है उनको हैंडल नहीं करना, और बाहर की चीजें यहाँ बनना भी बड़ी मुश्किल होती है, उनको रिपेयर पार्ट्स नहीं मिलते, वो बड़ी मुश्किल। तो ये मेरा आप भी थी है कि आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। और पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, अभी हमारी जहाँ इतनी गर्मी है इस हिसाब से बनी हुई चीजें बाहर के इतना नहीं होती। बिल्कुल वॉशिंग मशीन और फ्रिज जो आपके हेल्पर्स के हाथ में, वो आपने वॉशिंग मशीन मैं खुद हैंडल करती हूँ, उसको कोई हाथ नहीं। मेरी मेड भी नहीं हाथ लगाने देती किसी। हाँ वो तो मेरी जान है, उसको नहीं मैं हाथ लगाने देती। कपड़े मैं कपड़े खुद धोती हूँ, सिर्फ आयरनिंग ये लोग करते हैं या धोबी को जाते हैं, अदरवाइज शुरू मैं कहती हूँ कि बस टावल साफ धुले, किसी के साथ चीजें अटैच ना हो ना, जैसे आप टावल अलग से धोए, आप ये जो बच्चों के काम के कपड़े कैसे मैनेज करती हो जाता है। मैं रात में डाल देती हूँ, वो एक ऑटो है तो वो ड्राई होके निकल आते हैं, कोई इतना इशू। अब तो जिंदगी बहुत भाई, मेरी तो आती थी ना मेड, बच्चों के कपड़े तो जोफी से धुलवाती थी मैं हमेशा, बाकी जो कपड़े होते थे वो मेड आके धोती थी, मासी जो होती है ना वो आके धोती थी। इतनी लड़ाइयाँ होती थी जोफी की, उसकी जोफी से कहती तुम हाथ से धोगी, इसको हाथ नहीं लगाओगी। हाँ। तीन मशीनें खराब की है उसने, बहुत ज्यादा कपड़े डाल देती तो हाथ से धुलवाती। फिर जोफी ने कहा इसको निकाल दे मैं खुद ही धो लूंगी, उसने उसको भी निकलवा दिया। पहले जोफी ने सफाई वाली, क्योंकि तो सिर्फ बच्चे संभालती थी ना, पहले उसने सफाई वाली को निकलवाया कि सफाई मैं खुद करूंगी, नया घर है ये खराब कर देंगे ये वो, फिर उसने कपड़े धोने वाली को भी निकाल दिया। अच्छा ये हमारे भी खास सर्वेंट्स में लगा रहता है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन फिर वो करती है ना, बड़े घर की सफाई कर रही होती है वो, एक करती है बड़ी बात है। अरे वो जब अभी बारिशें हो रही थी तो मैं कहीं से आ रही, तो मैंने गाड़ी में देखा कि जन्नत की जो खिड़कियां हैं वो हमारे ग्रिल नहीं है खिड़कियों में ना, तो वो खिड़की के ऊपर लटकी हुई ना वाइपर छोटा वाला हाथ में लेके, मैंने कहा जोफी तुम क्या, मैं नहीं अगर खुद खुदा ना खासा हाथ छूट जाए गिर जाए तो खुद गिर जाए। कहती है कि आपने मुझे आज देखा, मैं तो रोज करती हूँ। अच्छा घर की सफाई का एक हिस्सा ऐसा आता है फ्रिज, मतलब कि कभी कभार आप फ्रिज खोलते हैं तो आपका दिमाग घूम जाता है कि दो दिन पहले इतने पुरानी चीजें ये क्यों नहीं निकाली, ये क्यों नहीं साफ की है, बस मेरे तो फल सड़ जाते हैं। मैंने कहा फल घर में पड़े हैं, दिए क्यों नहीं है। सो वो फ्रिज की सफाई भी एक बहुत कहते हैं ना कि पता है, मैं तो कहती हूँ रोज ना दिन में एक दफा फ्रिज खोलना, मैं तो वीकली कर लेती हूँ, अपना खुद से सफाई करती हूँ फ्रिज की। हाँ मैंने तो उनको देखा था फरीदा आपा को, उनको भी सफाई का कहते हैं खपत है। नहीं उनको तो बहुत ज्यादा बहुत है, तो वो उनका फ्रिज नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, उनको ज्यादा है, वो बेचारी सो भी नहीं सकते, वहम 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 है उनको हर चीज का, नॉर्मल बस ठीक है। हाँ लेकिन वो उनको बहुत ज्यादा, जैसे लाइक मेरी बहन की सास है, उनको भी सफाई का इतना है कि वो बेचारी थकी हारी ऑफिस से आती है, उसके बाद फिर वो कारपेट पे पोचा लग रहा होता है, झाड़ू लग रहा है, उनका घर चमक रहा होता है, तो मैं अपनी बहन के घर जाती हूँ, मैं कहती हूँ तुम्हारा घर चमक क्या हुआ, कह रही है वो बेचारी नौकरी से आके झाड़ू पोछा कर रही होती है, मासी कर जे फिर भी इतनी सफाई। मेरी मासी शाम में पोछा जरूर लगा के जाती है, क्योंकि मैंने उसको बोला मन का देखो प्लीज ये एक हमारे यहाँ तो बस असर के बाद नहीं लगता झाड़ू पोछा। अच्छा।